सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैलकुलस में हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक वेक्टर कैलकुलस। तो सबसे पहले वेक्टर कैलकुलस में आप लोगों को मालूम है वेक्टर क्या होता है, द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसे हम रिलेट करेंगे थोड़ा सा कि जिस टाइप से जो लाइफ होती है, लाइफ में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। आप लोगों में मैग्नीट्यूड तो बहुत है, आप लोगों में कैलिब्रेशन बहुत है, बट आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत है। अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई तो आप जो है वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी डायरेक्शन है वो डिसाइड करेगा आपका हार्डवर्क, क्योंकि किसी ने बोला है नो पेन नो गेन। अगर आपको पेन नहीं होगा तो आप सक्सेस को गेन नहीं कर पाएंगे। जो आपने इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो 4 साल है आपकी इंजीनियरिंग के, जिन्होंने इन 4 साल में मेहनत करी है, हार्ड वर्क करा है, तो वो आने वाले जो 40 साल है, अगर 60 ईयर की एक एवरेज लाइफ हम माने तो जो आने वाले 40 ईयर हैं, 40 ईयर्स वो कंफर्टेबल स्पेंड करेंगे। और जिन्होंने ये 4 साल जो है वो मस्ती में निकाल दिए हैं या पढ़ाई नहीं करी है, तो जो 40 साल है 40 ईयर्स उन्हें सफ़र करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपका एम है, जो डायरेक्शन है, वो डिसाइड करिए। आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे तो जैसे ही आप अंदर इंटर करेंगे तो वहाँ पे विजन एंड मिशन लिखा रहता है। तो आप अपनी लाइफ का विजन एंड मिशन डिसाइड करिए कि आप लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, उसी से जो है आपको डायरेक्शन मिलेगी और उसी से जो है वो आप लाइफ में सक्सेस होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में सबसे पहले वेक्टर कैलकुलस जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। ये आपने क्लास 11-12 में पढ़ा है, वेक्टर कैलकुलस इज ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस एंड सेकंड इंटीग्रल वेक्टर कैलकुलस। तो सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर एंड स्केलर। तो आप लोगों को मालूम है वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है उसे हम डिनोट करते हैं एरो से, एरो लगा के डिनोट करते हैं। जैसे कि हमने लिखा ए, अगर ए के ऊपर एरो लगाया हमने या ए के ऊपर हमने एक लाइन सेगमेंट लगाया, बार भी बोल सकते हैं इसे, तो इसे बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज। और स्केलर क्वांटिटीज जो होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, डेट क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 1, तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप लगा के। सपोज आपके पास है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, अगर इनके ऊपर हम कैप लगा दें तो कैप से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को। ए कैप, बी कैप एंड सी कैप आर द यूनिट वेक्टर्स। इसी टाइप से आपने देखा होगा कि आई कैप, जे कैप और के कैप जो होता है वो होता है यूनिट वेक्टर्स। अगर हम इनका मॉड ले लें तो उसकी वैल्यू होती है 1, जैसे कि नाम इसका शो कर रहा है यूनिट वेक्टर, मीन्स जिसकी वैल्यू जो है, मॉड जो है वो 1 हो, उस वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, कि आपका जो है वेक्टर वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। यूनिट वेक्टर को अगर हम देखें तो सबसे पहले दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड धिस इज जेड एक्सिस। सपोज ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लग रहा है वो लग रहा है आई कैप। जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लग रहा है वो लग रहा है जे कैप। और जो जेड वेक्टर है, उस वेक्टर के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लग रहा है वो लग रहा है के कैप। तो यूनिट वेक्टर से आपको डायरेक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि 2 + 3, तो अगर आप 2 + 3 करेंगे तो आपको पता नहीं है ये दोनों जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो 2 + 3 = 5 होता है। इसी टाइप से अगर मैं आपको बोलूं कि 2i + 3j, अगर मैं 2d की बात करूं, 2i + 3j, तो इसमें अगर हम 2d लें, 2d फिगर लें, तो धिस इज एक्स एक्सिस एंड धिस इज वाई एक्सिस। तो यहां से आपको पता चलेगा कि आपको एक्स डायरेक्शन में, अगर हम इसे फॉर एग्जांपल मीटर में ले लें, तो एक्स डायरेक्शन में आपको चलना है 2 मीटर
और वाई डायरेक्शन जो है उसमें आपको चलना है 3 मीटर, तो 2 मीटर और 3 मीटर जो है ये आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो जो यूनिट वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। यहाँ पर ए जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो है हम आगे देखेंगे जब इसमें क्वेश्चन करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए जो होता है, सपोज ए वेक्टर जो है आपके पास वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहाँ पे जो मॉड ऑफ ए होता है अगर हम इस वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो ये जो था वो कॉन्सेप्ट था वेक्टर एंड स्केलर का एंड यूनिट वेक्टर्स का। चलिए आगे बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पोजिशन वेक्टर मीन्स डेट वेक्टर विच रिप्रेजेंट इट्स पोजिशन रिलेटिव टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सपोज आपके पास एक पी पॉइंट है एक्स वाई एंड जेड, तो अगर पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करें तो पोजिशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर आर से। तो वेक्टर आर हो जाएगा यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पर अगर आपको इसका मॉड निकालना है पोजिशन वेक्टर का तो मॉड आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो सबसे पहले हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, और जो पोजिशन वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है पोजिशन, यानी ये जो पी पॉइंट है उसकी पोजिशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से क्या पोजिशन है पी पॉइंट की, वो पोजिशन वेक्टर शो करता है। जो वेक्टर होता है वो एक 3D कॉन्सेप्ट होता है, बट यहाँ पर 3D फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है, आप एनिमेशन वीडियो में जाके देख सकते हैं आपको 3D इमेज अगर देखना है तो। तो सबसे पहले जो पोजिशन वेक्टर है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और अगर आप इसका मॉड निकालेंगे तो वो हो जाएगा रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। सपोज जो वेक्टर ए है वो आपको गिवन है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और जो बी वेक्टर है वो आपको गिवन है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। तो जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू यह आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। सपोज धिस इज वेक्टर ए एंड धिस इज वेक्टर बी, ये जो एंगल है सपोज धिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा रिप्रेजेंट करता है। जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है वो स्केलर मिलता है। जो आपको यहाँ पे फंक्शन आप देखेंगे तो ये आपको वेक्टर नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो होता है स्केलर। तो डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम जो है वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलता है डॉट प्रोडक्ट में वो स्केलर मिलता है, और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर टर्म में मिलेगा। यहाँ पे जो थीटा है, अगर थीटा लेस देन 90 है, इफ थीटा इज लेस देन 90 देन उस केस में जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ए डॉट बी वो होगा ग्रेटर देन 0। अगर जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 हुआ, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 हुआ तो जो ए डॉट बी जो होगा वो होगा
लेस देन जीरो, और अगर थीटा इक्वल टू 90 हुआ तो आप लोगों को मालूम है कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90 तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। 90 डिग्री के केस में ये हो जाएगा वेक्टर बी एंड धिस इज वेक्टर ए, और ये हो जाएगा एंगल 90 इक्वल टू थीटा। तो आप लोगों को पता है कि जो कॉस 90 है, कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो। तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें तीन एक्सिस के फॉर्म में, तो डॉट प्रोडक्ट में ये हो गई एक्स एक्सिस, धिस इज वाई एक्सिस एंड धिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो होगा आई, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो होगा जे, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो होगा के। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें इसे तो आई डॉट आई मीन्स यहाँ पर जो एंगल होगा कॉस का, आई का आई के साथ एंगल वो होगा जीरो। डेट मीन्स आई क्रॉस आई एंड जे डॉट जे एंड के डॉट के जो है वो होती है उसकी वैल्यू वन। बट अगर आप आई को जे के साथ लेंगे तो आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई, अगर आप इनके बीच का एंगल देखेंगे तो आप लोगों को पता है कि धिस एंगल इज 90 डिग्री, धिस एंगल इज आल्सो 90 एंड धिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। अगर हम यह जो क्वाड्रेंट है तीन एक्स वाई और जेड इसको अगर हम देखें तो ये एंगल जो है आपस में 90 डिग्री होते हैं। तो आई डॉट जे आप करेंगे अगर, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो कॉस 90 है वो होता है जीरो। तो ए डॉट बी जो है, तो यहाँ पे आई डॉट जे जो है वो हो जाएगा जीरो। उसी टाइप से जे डॉट के जो है उसकी वैल्यू भी मिलेगी आपको जीरो, एंड के डॉट आई के केस में भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, डेट मीन्स के डॉट आई की वैल्यू भी आपको मिलेगी जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में आपको ध्यान रखना है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के जो है वो होता है सिंगल वन। और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है टू वेक्टर का वो एक स्केलर फंक्शन होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा एक स्केलर फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में एक चीज रह गई थी हमारी, ए डॉट बी जो है अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने दो डिफरेंट वेक्टर लिए थे। ए वेक्टर जो हमने लिया था वो लिया था ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और बी वेक्टर जो लिया था वो लिया था बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के इन टू, यहाँ पर डॉट लग गया, और यहाँ पे आ जाएगा बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया आई डॉट आई जो होता है वो होता है वन, तो ये हो जाएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, ये जो आएगा ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ये आप लोग पढ़ चुके हैं 11th 10th 12th में। तो अगर आपके पास ए वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और सेकंड वेक्टर है बी, अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इनटू एन कैप। यहाँ पर जो एन कैप है वो होता है यूनिट वेक्टर, वो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि जो यूनिट वेक्टर है, सपोज हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, तो ए कैप जो होता है वो होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर का उसका ये जो एक फिगर है वो हमने बनाया है कि जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें जो थंब है वो थंब रिप्रेजेंट करेगा, सपोज यहाँ पे ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी उसको रिप्रेजेंट करेगी मिडिल फिंगर। इसे देखें तो ये हो गई इंडेक्स फिंगर एंड धिस इज थंब। तो जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर शो करेगी डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है
तो विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर आप डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। सपोज जो ए वेक्टर है वो हमने सिलेक्ट करा ए इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और जो बी है बी वेक्टर हमने सिलेक्ट करा बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। यहाँ पर वेन थीटा इक्वल टू जीरो, जब यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो होगा, थीटा इक्वल टू जीरो मीन्स ये जो हमने डायग्राम बनाया था थ्री एक्सिस के लिए, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के कैप। तो अगर थीटा इक्वल टू जीरो है डेट मीन्स अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई क्रॉस आई का तो वो आपको मिलेगा जीरो, बिकॉज जो साइन थीटा होता है साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। इसी टाइप से अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जे क्रॉस जे का तो जे क्रॉस जे का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी होता है जीरो, एंड के क्रॉस के का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी जो है वो होगा जीरो। बिकॉज इन ऑल दीज थ्री केसेस द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 90, बट इफ द एंगल वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो, बट इफ द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू 90, अगर थीटा एंगल 90 है तो आप लोगों को पता है कि जो साइन 90 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। इस केस में जो आई क्रॉस जे है, जे क्रॉस के है एंड के क्रॉस आई है, उनकी वैल्यू आपको मिलेगी। इस केस में जो आई क्रॉस जे होता है उसकी वैल्यू मिलती है के, जो जे क्रॉस के होता है उसकी वैल्यू मिलती है यूनिट वेक्टर में आई, एंड के डॉट के क्रॉस आई जो होता है उसकी वैल्यू मिलती है आपको जे। इसी टाइप से अगर आप डायरेक्शन रिवर्स कर दें, सपोज जे क्रॉस आई के क्रॉस जे एंड आई क्रॉस के, अगर आप ये कर दें इनकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो जो फाइनल आपको जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जे क्रॉस आई के केस में मिलेगा माइनस के, के क्रॉस जे के केस में मिलेगा माइनस आई एंड के आई क्रॉस के केस में मिलेगा माइनस जे। तो इसे ध्यान रखने के लिए एक फिगर है, एक सर्कल हम बनाते हैं। ये हमने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में हम आई जे और के जो थ्री यूनिट्स वेक्टर है उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दिस इज यूनिट वेक्टर आई, दिस इज यूनिट वेक्टर जे एंड दिस इज यूनिट वेक्टर के। तो जब आप आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई क्रॉस जे तो आपको मिलेगा के, व्हेन जे क्रॉस के करेंगे आप तो आपको मिलेगा आई, एंड व्हेन के क्रॉस आई करेंगे तो आपको मिलेगा जे। बट अगर आप जो है अभी आप जो है वो रोटेट कर रहे थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट अगर आपने आपकी डायरेक्शन चेंज कर दी एंटी क्लॉकवाइज कर दी तो जो साइन है क्रॉस प्रोडक्ट के वो चेंज हो जाएंगे, बट जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का जो एक और तरीका है वो है ए क्रॉस बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे आ जाएंगे यूनिट वेक्टर आई जे के, यहाँ पे ए जो था उसमें जो यूनिट वेक्टर था उसका कोएफिशिएंट था ए वन, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वन ए टू एंड ए थ्री, ये हो जाएगा बी वन बी टू और बी थ्री। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर था वो हमने पढ़ा है। ये जो है थ्री क्रॉस थ्री का, इसको अगर आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई, और यहाँ जाएगा ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री माइनस जे, करेंगे आप तो ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री, और जब के साथ में करेंगे तो ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। तो ये जो था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट के केस में जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा
वो मिलेगा वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में एक दो रिमार्क हैं वो आप ध्यान रखिएगा। जो रिमार्क है वो ये है कि अगर ए क्रॉस बी है तो अगर आप इसका अपोजिट करेंगे, बी क्रॉस ए करेंगे, तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ए क्रॉस बी था, यहाँ पे बी क्रॉस ए है, तो जो साइन है वो आ जाएगा नेगेटिव। और अगर आप करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटू क्रॉस सी, ये जो वेक्टर है अगर आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये रिमार्क हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर। द ऑपरेटर डेल रीड एस डेल आर नेबला इज नोन एस वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। जो डेल्टा है, डेल ऑपरेटर है, उसे नेबला भी बोलते हैं। तो जो डेल ऑपरेटर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल के ऊपर वेक्टर के साइन के साथ, या इसे सिंपल हम डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फाइनल फार्मूला होता है वो होता है आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई प्लस के डेल अपन डेल जेड। तो ये जो डेल होता है वो होता है ऑपरेटर जो कि है डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस टाइप से, विद द हेल्प ऑफ डेल ऑपरेटर हम डाइवर्जेंस कर्ल एंड ग्रेडियंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज आपके पास है डेल ऑपरेटर, तो अगर आपके पास डेल ऑपरेटर है तो डेल ऑपरेटर का यूज़ जो है वो हम अब यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले सपोज हमने एक स्केलर फंक्शन लिया, तो स्केलर फंक्शन जो हमने सिलेक्ट करा है वो सपोज सिलेक्ट करा है फाई, तो जो डेल फाई है इस टर्म को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। डेल फाई जो होता है वो होता है ग्रेडियंट। सबसे पहले आपने जो फंक्शन सिलेक्ट करा था वो स्केलर फंक्शन सिलेक्ट करा, बट बाय चांस अगर आप फंक्शन सिलेक्ट कर रहे हैं वेक्टर, एक वेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वेक्टर में जो प्रोडक्ट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आप डेल को ऑपरेट कर रहे हैं डॉट के साथ, डेट मींस डेल डॉट एफ, वेयर एफ जो है एक वेक्टर है, तो डेल डॉट एफ, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा यहाँ पर डॉट है, तो जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा एक स्केलर फंक्शन, और जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है डी से, तो डॉट प्रोडक्ट के केस में जो आपको मिलेगा उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। बट जब आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो डेल में हम यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो डेल क्रॉस एफ वेयर एफ इज ए वेक्टर। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट करने पे वो एक वेक्टर मिलेगा, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है सी से, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो फाइनल आपको मिलेगा रिजल्ट उसे हम बोलते हैं कर्ल। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो डेल ऑपरेटर है ये बहुत काम की चीज़ है। डेल ऑपरेटर की हेल्प से आप ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जब डेल ऑपरेटर जो है उसे हम ऑपरेट करते हैं स्केलर फंक्शन के साथ, यहाँ पे हमने कंसीडर करा फाई एक स्केलर फंक्शन है, तो जो डेल फाई है वो है उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। और जब डेल ऑपरेटर को हम वेक्टर के साथ एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और सेकंड होता है क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम डेल ऑपरेटर में डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में डी है, तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा डाइवर्जेंस, और ये जो है वो एक स्केलर फंक्शन होगा। एंड व्हेन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डेल क्रॉस एफ वेयर एफ इज ए वेक्टर, तो जो फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्रॉस प्रोडक्ट है, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको मिलेगा कर्ल, और यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा एक वेक्टर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेडियंट जो डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर के साथ अगर हम एक स्केलर फंक्शन को लेंगे तो वो बनता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन, सपोज हम एक स्केलर फंक्शन ले रहे हैं फाई,
तो फाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज गिवन बाय ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू डेल फाई इक्वल टू, वहां पर जो हमने डेल ऑपरेटर देखा था उसमें हमने देखा था आई डेल अपॉन डेल एक्स, बट यहां पर हमने कॉन्स्टेंट फंक्शन लिया है फाई, तो यहां पे हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू के, ग्रेडियंट ऑफ फाई वेयर फाई इज सम स्केलर फंक्शन। ये जो है ग्रेडियंट है फाई का, जहां पर फाई जो है एक स्केलर फंक्शन है। ये चीज जो है वो आप याद रखना गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप ग्रेडियंट का मॉड निकालते हैं तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, आपसे कभी कभी गेट में पूछा जाता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई जो है वो कब होगा, तो जो ग्रेडियंट आपने कैलकुलेट करा अगर आप उसे मॉड में रखेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। देन इसके बाद कुछ रिमार्क्स होते हैं ग्रेडियंट के बेस पे। सबसे पहले इफ फाई इज कॉन्स्टेंट, जहाँ पे फाई जो है एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, देन जो ग्रेडियंट होता है फाई का वो होता है जीरो। सेकंड, डेल ऑपरेटर जो है वो एफ प्लस माइनस जी आपको गिवन है, तो इसे हम लिख सकते हैं डेल एफ प्लस माइनस डेल जी। थर्ड जो है डेल ऑपरेटर के साथ एफ जी, तो यहाँ पे जैसे हमने जो पढ़ा था प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में, तो सबसे पहले आ जाएगा एफ डेल ऑपरेटर जी प्लस जी डेल ऑपरेटर एफ, और लास्ट जो है डेल ऑपरेटर एफ अपॉन जी, तो यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर में जी स्क्वेयर, यहाँ पे हो जाएगा जी डेल ऑपरेटर के साथ आ जाएगा एफ माइनस, यहाँ पे हो जाएगा एफ डेल ऑपरेटर के साथ आ जाएगा जी। तो ये कुछ रिमार्क्स थे, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेडियंट जो है ग्रेडियंट का हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम देख चुके हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो डी से स्टार्ट होता है, डेट्स वाई इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा। तो द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन फाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज गिवन बाय, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हमने रिप्रेजेंट करा है डी डी से, तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो होता है जो हमने यहाँ पर ग्रेडियंट कैलकुलेट करा था डेल फाई इंटू जो डॉट प्रोडक्ट है ए कैप, यहाँ पर जो ए कैप है वो है यूनिट वेक्टर, तो ए कैप को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो जब हम जो ग्रेडियंट है उसमें हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे यूनिट वेक्टर का, तो जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसे हम बोलेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो हमने डिस्कस करा था डायरेक्शनल डेरिवेटिव में डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है, डेट्स वाई आई डॉट आई जो है जे डॉट जे एंड के डॉट के जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी वन, एंड आई डॉट जे जो है या जे डॉट के जो है उनकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। डेट्स वाई जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसका जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा एक स्केलर। तो यहाँ पर जो दो टर्म है ये आपको ध्यान रखना है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो होती है मॉड ऑफ ग्रेडियंट फाई, यहाँ पर जो ए है वो है यूनिट वेक्टर, तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की तो वो होती है मॉड ऑफ ग्रेडियंट फाई, और अगर आपको यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस निकालना है तो वो होगा ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो ये कॉन्सेप्ट था डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विथ वेक्टर, यहाँ पर हम एक वेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं, सपोज एफ जो है वो हमने एक वेक्टर सिलेक्ट करा है जो है एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के, बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। देन अगर हम डाइवर्जेंस निकालेंगे एफ का तो वो होगा डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर के साथ, तो डेल डॉट वेक्टर एफ इक्वल टू ये हो जाएगा डेल ऑपरेटर और ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट के साथ जो आपका वेक्टर एफ है वो। अगर हम इसे आगे देखें तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स,
यहाँ पर आए है और यहाँ पर भी आए है, तो आई डॉट आई जो है वो वन हो जाएगा। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा। इसमें जो आई जे और के की टर्म है वो अब्सेंट है, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एक स्केलर फंक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस जो है वो शो करता है नेट फ्लो, और जो नेट फ्लो होता है वो होता है नेट फ्लो इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है आउटफ्लो माइनस इन फ्लो। जैसे सपोज एक पाइप है, इस पाइप में से अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो ये हो जाएगा आउटफ्लो एंड धिस इज इनफ्लो। तो जो नेट फ्लो होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। अगर यहाँ पर जो नेट फ्लो है वो अगर हो गया इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स अगर जीरो हो गया देन सॉरी नेट फ्लो अगर जीरो हो गया तो जो आउटफ्लो है वो इक्वल टू हो जाएगा इनफ्लो के। डेट मीन्स जितना वाटर अंदर इंटर कर रहा है उतना जो है वाटर बाहर निकल जाएगा। कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पे डाइवर्जेंस के, तो डेल डॉट एफ जो है इज नॉट इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट डेल, ये वाली कंडीशन जो है ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड, जो गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोलेनाइड वेक्टर, जो सोलेनाइडल वेक्टर है वो क्या होता है, अगर डाइवर्जेंस एफ जो है वो इक्वल टू जीरो होता है देन एफ इज कॉल्ड सोलेनाइडल वेक्टर और डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर, जो इसमें कि डाइवर्जेंस से फ्री है देन इट इज कॉल्ड सोलेनाइडल वेक्टर और डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर। इन दिस केस जो नेट फ्लो होता है वो जीरो हो जाता है, नेट फ्लो अगर जीरो हो गया तो इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। इफ फ्लूड इज इनकॉम्प्रेसिबल, अगर आपका जो फ्लूड है वो इनकॉम्प्रेसिबल है, इनकॉम्प्रेसिबल मीन्स वाटर है, वाटर जो होता है वो इनकॉम्प्रेसिबल होता है, डेट्स वाई द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉन्स्टेंट। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000। अगर वाटर इनकॉम्प्रेसिबल है देयर कैन बी नो गेन और लॉस इन द वॉल्यूम एलिमेंट, तो जो वॉल्यूम है उसमें न तो गेन होगा न लॉस होगा, हैंस जो डाइवर्जेंस एफ है वो इक्वल टू जीरो होगा, विच इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो आप सबको पता होगी, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू। तो अगर फ्लूड जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड यानी जिसे हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, डेट फ्लूड इज कॉल्ड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड, और कॉम्प्रेसिबल फ्लूड जो होता है वो होता है जिसे हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। तो अगर आप फ्लूड को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, जैसे एयर जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में हम एयर को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और पेट्रोल इंजन जो है, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और एयर जो है वो गैस फॉर्म में है, तो पेट्रोल इंजन के केस में जो कॉम्प्रेशन रेशो आप देखेंगे तो वो कम होता है। तो अगर फ्लूड इनकॉम्प्रेसिबल है तो देयर कैन बी नो गेन और लॉस इन द फ्लूड, तो जो डाइवर्जेंस एफ है वो जीरो होता है, और इस इक्वेशन को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आई होप आपको डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन से। तो कर्ल जो होता है इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विथ वेक्टर। तो हमने यहाँ पे एक कंसिडर करा है एक वेक्टर f इक्वल टू एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के। यहाँ पे अगर आप कर्ल f निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज कर्ल का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कर्ल स्टार्ट होता है c से, डेट्स वाइज में हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो डेल ऑपरेटर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर का, तो वो हो जाएगा एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में i j k, वेयर i j k आर द यूनिट वेक्टर्स, डेल अपन डेल एक्स, डेल अपन डेल वाई एंड डेल अपन डेल जेड। यहाँ पर जो डेल ऑपरेटर है इसमें आई का जो कोइफिशियंट है वो होता है डेल अपन डेल एक्स, जे का जो कोइफिशियंट होता है वो होता है डेल अपन डेल वाई, और के का जो कोइफिशियंट होता है वो होता है डेल अपन डेल जेड। और यहाँ पर नीचे आ जाएगा एफ वन एफ टू एफ थ्री, बिकॉज ये जो हमने वेक्टर कंसिडर करा है इसमें जो आई का कोइफिशियंट है वो है एफ वन, जे का जो कोइफिशियंट है वो है एफ टू, एंड के का जो कोइफिशियंट है वो है
F3। तो यहाँ से आप कर्ल को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो कर्ल का है वो ये है कि कर्ल शो करता है रोटेशन। सबसे पहले अगर कर्ल जो है वो अगर इक्वल टू जीरो है देन द गिवन वेक्टर इज इररोटेशनल, और अगर कर्ल इज नॉट इक्वल टू जीरो देन द गिवन वेक्टर इज रोटेशनल। कर्ल की एक और प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, डेल ऑपरेटर के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर का तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर। तो यहाँ पर ये जो दोनों प्रॉपर्टी है ये आप ध्यान रखिएगा। इस प्रॉपर्टी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम में, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कर्ल इक्वल टू जीरो हो गया देन द गिवन वेक्टर जो होगा वो इररोटेशनल होगा, और अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा देन द गिवन वेक्टर इज रोटेशनल। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वेक्टर कैलकुलस का, डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस का, वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।